One visa and 27 European countries. Hi guys, we are rolling for tales and we have got 6 times Schengen visa. इस वीजा से हमने नॉर्दर्न लाइट्स, स्विट्जरलैंड की वादियां, आइसलैंड का वाटरफॉल, वर्ल्ड का रोमांटिक सिटी पेरिस एंड वेनिस में गंडोला राइड ली है। बट मेरा सेंगेन वीजा एक बार रिजेक्ट भी हुआ है, जिसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे कि मैंने गलत क्या किया था उस एप्लीकेशन में। इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट कंप्लीट सेंगेन वीजा प्रोसेस, हाउ टू गेट इट फॉर योरसेल्फ, क्या कॉस्ट लगेगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, कहाँ अप्लाई करना है, कैसे करना, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। अलॉन्ग विद दैट, ऑन द वे आई विल गिव यू माय पर्सनल टिप्स जो कि इंश्योर करेगा आपको आपका सेंगेन वीजा मिल जाए। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि आपको किस एम्बेसी में वीजा के लिए अप्लाई करना है, क्योंकि सेंगेन वीजा 27 कंट्रीज में वैलिड है। सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि आप किस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। नाउ अगर आपकी आइटिनरी बहुत सिंपल है, लेट्स से आपकी पूरी ट्रिप यूरोप के किसी एक कंट्री में, फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में है, तब तो इट्स वेरी इजी, आप क्या करोगे, फ्रांस की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। लेकिन अगर आपका मल्टीपल कंट्री का विजिट है, फॉर एग्जाम्पल आपका फ्रांस भी है और स्विट्जरलैंड भी, उसी ट्रिप में आप विजिट करना चाह रहे हो, तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप सबसे ज्यादा नाइट्स कहाँ स्पेंड कर रहे हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप फ्रांस में 4 days एंड स्विट्जरलैंड में 6 days स्पेंड कर रहे हैं। सो बेसिकली आप स्विट्जरलैंड में ज्यादा नाइट्स स्पेंड कर रहे हैं एंड हेंस आपको अप्लाई करना पड़ेगा स्विट्जरलैंड की एम्बेसी में। लेकिन अगर वो कंडीशन जहां पे फ्रांस में आप 5 days स्टे कर रहे हो और स्विट्जरलैंड में 5 days स्टे कर रहे हो, तब आप क्या करेंगे उस केस में, जहां पे भी आप पोर्ट ऑफ एंट्री, बेसिकली जहां आप फ्लाइट से फर्स्ट टाइम लैंड करेंगे, विच कुड बी फ्रांस और इट कुड बी स्विट्जरलैंड, उस केस में आप वहां की एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट आपको सिंगल एंट्री चाहिए या फिर मल्टीपल एंट्री वीजा चाहिए। इट विल कंप्लीटली डिपेंड ऑन आपकी आइटिनरी कैसी है। सो लेट्स से अगर आप सेंगेन एरिया, जो कि 27 कंट्रीज का ग्रुप है, अगर तो आप उसी कंट्री में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिंगल एंट्री चाहिए होगी, क्योंकि आप जाओगे इंडिया से वहां वेकेशन के बाद, आप वहीं से वापस आओगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर आप उन 27 कंट्रीज के बाहर जाते हो एंड वापस से आपकी, लेट्स से वापस आके आप फ्लाइट पकड़ते हो इंडिया के लिए, तो आपको मल्टीपल एंट्री चाहिए होगी। सो फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ आवर ट्रिप्स में हम क्रोएशिया गए थे एंड क्रोएशिया सेंगेन का पार्ट नहीं है। सो हमारी फ्लाइट फर्स्ट फ्रांस गई थी, पेरिस में हम लैंड कर रहे थे और फिर वहां से हमने क्रोएशिया गए, क्रोएशिया हम घूम के वापस हमारी फ्लाइट पेरिस से वापस इंडिया की थी। तो ये हो गया मल्टीपल एंट्री का इक्वेशन, क्योंकि हम सेंगेन एरिया से बाहर गए वापस सेंगेन एरिया में आए। इसके लिए आपको डिटेल आइटिनरी दिखानी होती है और कवर लेटर में मेंशन करना होता है कि आपको सिंगल एंट्री चाहिए या फिर मल्टीपल एंट्री चाहिए। द थर्ड वन विच इज डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो क्या लगेंगे, क्योंकि ये देखो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने भी प्रिपेयर करे थे अपने सेंगेन वीजा के लिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑब्वियसली your passport. Passport should be at least valid till 6 months and इसमें 2 blank pages होने चाहिए। And अगर आपके पास 2 passport हैं और like multiple passports हैं, तो आपको सबको अटैच करके साथ में देना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 passport हैं, तो इसे रबर बैंड से अटैच करके आपको ये सबमिट करना है। इसके साथ लगेगा इसका पासपोर्ट का कॉपी, द फ्रंट एंड द बैक। सो ये आप ऐड करना मत भूलना। जो सेकंड डॉक्यूमेंट है दैट इज अबाउट फोटोग्राफ्स। सो आपको लगेंगे 2 फोटोग्राफ, उसका जो साइज है, डायमेंशन है, वो है 35x40 मिलीमीटर। सो बेसिकली आप किसी स्टूडियो में जाओगे, वहां पे आप उन्हें अगर बोलोगे कि हमें यूरोप के लिए सेंगेन वीजा के लिए फोटो चाहिए, दे विल हैव द डायमेंशन। अगर नहीं भी है तो मैंने आपको बता दिया, आप चेक कर लो, उसके अकॉर्डिंग आपने फोटो लेना है। द थर्ड डॉक्यूमेंट इज अबाउट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंट्रीज। सो जो मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया था कि किस एम्बेसी में अप्लाई करना है, आपने उसी एम्बेसी से वीजा का डाउनलोडेड फॉर्म मिलेगा और आपको उसको डाउनलोड करके फिल कर सकते हो। दैट इज ऑप्शन वन। ऑप्शन टू, सम कंट्रीज विल ऑल्सो गिव यू एन ऑप्शन टू फिल द फॉर्म ऑनलाइन एंड देन डाउनलोड इट एंड गेट इट प्रिंटेड। सो आइदर वे, या तो आप ऑनलाइन फिल करेंगे और डाउनलोड करके फिल करेंगे, आपको उसका प्रिंटआउट चाहिए ही चाहिए रहेगा। द फोर्थ डॉक्यूमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, दैट इज अबाउट कवर लेटर। कवर लेटर के बारे में आई कैन नॉट स्ट्रेस एनफ, क्योंकि कवर लेटर ही आपका मेक और ब्रेक डॉक्यूमेंट होता है, बिकॉज दिस इज वेयर यू identify yourself to the embassy people that who you are and why do you want to travel to Schengen area, आपका purpose क्या है, आपकी detailed itinerary क्या है। so ये सारा कुछ इस cover letter में mention होता है and ये बहुत ही important document है।
इफ यू वॉन्ट आर कवर लेटर फॉर्मेट जो कि हम यूज करते हैं टिपिकली टू गेट आर सिंगन वीजा, देन उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है. गो चेक इट आउट एंड यू कैन गेट योर कवर लेटर सैंपल फ्रॉम देयर. द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ऑल अबाउट योर कंप्लीट आइटनरी. सो इट्स नॉट लाइक यहां से इंडिया से आपने दिखा दिया फ्लाइट की भाई हम फ्रांस गए एंड वहां पर हम घूम रहे हैं एंड आफ्टर 10 डेज विल कम बैक टू India. It's not like that. You have to give the detail of like day by day. आप कौन से सिटी में स्टे कर रहे हो, कहाँ होटल में आप रुक रहे हो, और within let's say Schengen area, if you are traveling from one place to another place, how you are traveling? या तो आप वहाँ की ट्रेन ले रहे हो, वहाँ की फ्लाइट ले रहे हो, और let's say if you are hiring a car, तो car rental documents. So all of those things you will have to mention into the itinerary, जो कि आपका cover letter का ही part बनता है. So again, if you want the format that we use, do check out the link. Now, the next set of document is flight tickets. फ्लाइट टिकट्स आपका रिटर्न टिकट होना चाहिए. सो बेसिकली इंडिया से जिस कंट्री में आप जा रहे हो वहां एंड वापसी की फ्लाइट, ये आपको दिखाना होता है. नाउ इसको दिखाने के दो तरीके हैं. एक जो डमी टिकट है, बेसिकली डमी टिकट वो टिकट होता है जिसमें आपकी फ्लाइट रिजर्व होती है, आप पूरे पैसे नहीं देते हो, आप बस एक टोकन अमाउंट देते हो टू रिजर्व द फ्लाइट. हाउएवर द सेकेंड अप्रोच इज टू बुक अ रिफंडेबल टिकट. यूजली जो हम करते हैं, हम नॉर्मल टिकट ही बुक करते हैं जो कि रिफंडेबल होती है इन केस लेट्स से इफ वीजा डज नॉट कम थ्रू विद इन द टाइम. So, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं. We would recommend the second option. इसके बाद जो सेट ऑफ डॉक्यूमेंट होगा वो होगा आपका अकोमोडेशन प्रूफ. सो इट कुड बी योर होटल बुकिंग और एयरबीएनबी बुकिंग, जो भी आप प्रेफर करते हैं, बोथ वर्क्स. सो यूजुअली हम क्या करते हैं, हम booking.com या फिर एयरबीएनबी से वो प्रॉपर्टीज पिक करते हैं जिसकी रिफंडेबल बेसिकली डेट बहुत क्लोज टू द ट्रैवल टाइम होती है. सो लेट्स से इन केस योर वीजा डज नॉट अराइव और डज नॉट कम विद इन टाइम, सो यू हैव ऑप्शन टू कैंसल द होटल बुकिंग्स इन एडवांस. सो यूजली यू विल अटैच ऑल द नाइट्स का होटल स्टे विथ योर एप्लीकेशन फॉर्म. द नेक्स्ट डॉक्यूमेंट इज ट्रैवल इंश्योरेंस. द गाइडलाइन इज दैट इट शुड कवर 30,000 euros. Along with that, it should also be valid from the day you leave India and the day you arrive India. So, ye aap ensure karna hai ki aapki validity travel insurance ki hai. Next set of documents are about financial proofs. So, financial proof mein jo first cheez aata hai, agar aap employed ho, तो फर्स्ट थिंग आपको ये ऐड करना है वो है आपकी 3 months की सैलरी स्लिप. एंड इट हैज टू बी लेटेस्ट 3 months की सैलरी स्लिप. ये नहीं कि आप किसी भी महीने के 3 सैलरी स्लिप उठा के दे दो. द लास्ट लेटेस्ट 3 months सैलरी स्लिप इज व्हाट यू विल सबमिट. जो सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है एचआर लेटर. यूजुअली जहां आप वर्क करते हो, फ्रॉम द एचआर व्हाट यू विल हैव टू डू इज उनके लेटर हेड पे आपको ये लिखवाना पड़ता है कि यू आर वर्किंग एट दिस डेजिग्नेशन फ्रॉम सच एंड सच डेट एंड यू आर बेसिकली अप्लाइंग, यू हैव अप्लाइड फॉर अ लीव from so date to till such date and you are planning to visit these countries, let's say France or Switzerland, and the company does not have any objection and you would come back and join the company. Basically, idea ye hai ki it shows to the embassy people that you are currently working here in India and you do not have any intention to stay in Schengen area. Employed नहीं है, basically आपका खुद का business है. So उस केस में आपको business का proof दिखाना होगा and basically आपको उसका bank statement भी along with that attach करना होगा. Bank statement in any case लगेगा and it has to be last 3 months your bank statement which has to be sealed and signed from the bank official. So आपको bank visit करना पड़ेगा to get this statement. Online printout नहीं work करेगा. Now, which bank statement to give? Ideally, अगर आप employed हैं तो आप वो account दिखाएंगे जिसमें आपकी salary credit होती है every month. And also try to make a minimum balance of roughly around 3 to 5 lakhs in your account. And it will vary depending on आपका कितना duration है Schengen area में रहने का. जो next document है, that is about ITR. So basically, आपको लास्ट 2 साल के एंड इनफैक्ट 2 to 3 years का ITR आपको सबमिट करना पड़ता है. हमने 3 years का करा था. वैसे चेकलिस्ट में अगर आप देखेंगे तो 2 साल का ITR होता है. ITR आपको ITR acknowledgement form देना होता है. That one pager that you get when you submit your ITR. So यही submit करना, और कोई ITR का document नहीं डालना. ये तो थी mandatory documents. इसके साथ साथ कुछ आपको supporting documents भी attach करने से आपका visa application काफी strong बन सकता है. जैसे for example if you have traveled anytime before and अगर आपने let's say Schengen area में ही गए हो, या फिर let's say आपके पास US का visa है, Japan का visa, UK का visa, कहीं का भी visa है, आपने ये करना है, उस visa का प्रिंट आउट कॉपी बेसिकली अटैच कर दो, तो इससे आपकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है. जो सेकंड डॉक्यूमेंट जो हम यूजुअली लगाते हैं, क्योंकि बिकॉज वी बोथ आर ट्रैवलिंग, मी
मी एंड केबी आर ट्रैवलिंग, सो हम साथ में मैरिज सर्टिफिकेट भी अटैच कर देते हैं, सो दैट टू मेक आर केस जेन्युइन दैट वी आर मैरिड एंड वी आर गोइंग देयर फॉर वेकेशन पर्पस, फॉर अ टूरिज्म पर्पस. सो यू हैव कलेक्टेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स नाउ एंड यू हैव मेड अ बंडल आउट ऑफ इट. द नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द वीजा. Schengen visa will cost you 80 euros per person and kids ke liye 40 euro hota hai, but adult ke liye 80 euro per person and iske saath over and above VFS which is the agency in India that processes Schengen visa, उनका अपना चार्ज होता है विच इज अराउंड 20 यूरोस. तो अगर आप दोनों ऐड कर लें तो 100 यूरो का कॉस्ट आएगा, रफली अराउंड 10,000 रुपीज इंडियन रुपी आपको कॉस्ट लगेगा. अब हमें इसको एप्लीकेशन को अप्लाई कहाँ करना है, कहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं. इसके लिए द फर्स्ट थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज गो ऑन गूगल एंड सर्च फॉर VFS फॉलोड बाय द कंट्री दैट यू वांट टू गो. सो फॉर एग्जांपल अगर आप स्विट्जरलैंड जाना चाहते हैं तो VFS स्विट्जरलैंड एप्लीकेशन आप टाइप करोगे, जो फर्स्ट VFS का लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे आई टेल यू मोर अबाउट VFS. VFS इज एन एजेंसी दैट वर्क्स बिटवीन अस and the embassy, and VFS generally collects all the documents, our biometrics, everything, and forwards this document to the embassy, where embassy guys, they look at your application, make a decision, and then send your passport back to VFS, and from VFS, either you collect it or VFS dispatches it to your address. So then, what you will do is, aap VFS followed by country type karke Google mein, aap jo first link aayega, wahan pe aap land karoge, yahan pe, आपको अपना एक अकाउंट बनाना पड़ता है एंड जब आप अकाउंट बनाएंगे देन यू विल बी एबल टू बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर द डे दैट वेयर यू विल गो एंड सबमिट योर डॉक्यूमेंट्स. सो ऑन द डे ऑफ अपॉइंटमेंट आपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, अलॉन्ग विद दैट टेक कैरी सम कैश डिपेंडिंग ऑन, लेट्स अगर आपने वीजा का फी ऑलरेडी ऑनलाइन पे कर रखा होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल फ्रांस और डेनमार्क में आप ऑनलाइन पहले से पे करते हो वीजा फी विच इज 80 यूरोस, सो आपको VFS सेंटर पे जाकर बस VFS का फी सबमिट करना होता है. सो डिपेंडिंग ऑन व्हाट इज देयर आप कैश यूजली लेके कैरी करना, क्योंकि यू नेवर नो VFS सेंटर पे आपको क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड दे माइट एक्सेप्ट दे माइट नॉट एक्सेप्ट, यूजली कैरी कैश. And then there you would also give your biometrics and then submit your application. Usually 15 to 20 days working day होता है जिसमें आपको visa का decision वापस मिल जाता है. However, depending on the season, you would have to take some time in consideration. For example, last year जब हमने डेनमार्क के लिए अप्लाई किया था 45 days का waiting time था. Basically 45 days they were taking to make a decision on the visa क्योंकि volume इतना ज़्यादा था. So trust us. एडवांस में आप आई वुड से 45 टू 60 डेज एडवांस में आप अप्लाई कर देना. सो अब बात करते हैं मेरा वीजा जो कि फर्स्ट टाइम जब मैंने अप्लाई किया था रिजेक्ट हो गया था एंड ये मैंने अप्लाई किया था जर्मनी एम्बेसी में एंड मैं उसका रीजन भी बताता हूँ क्यों वो रिजेक्ट हुआ था. सो आई वॉज वर्किंग इन वन कंपनी एंड आई वॉज ट्रांजिशनिंग टू अनदर कंपनी और मेरे पास बिटवीन द ज्वाइनिंग एक महीने का गैप था. सो मैंने सोचा मेरे कुछ फ्रेंड्स जा रहे थे यूरोप तो मैं भी उनके साथ चलता हूँ, एक महीने में मैं घूम के वापस आ जाऊँगा एंड आई विल ज्वाइन द न्यू कंपनी. वहाँ पे जब मैं एप्लीकेशन में फॉर्म बना रहा था डॉक्यूमेंट्स बना रहा था तो मैंने जो नेक्स्ट कंपनी में ज्वाइनिंग थी उसका ज्वाइनिंग लेटर मैंने नहीं दिया था. मैंने लास्ट के सारे डॉक्यूमेंट्स डाल दिए, मेरा जो सैलरी स्लिप्स थी बैंक स्टेटमेंट्स है ये एक्सेट्रा एवरीथिंग डाला था. बट क्योंकि जो लास्ट मंथ में आपका सैलरी स्लिप नहीं आता है बिकॉज इट गेट्स इन टू फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, तो मेरा जो सैलरी स्लिप था वो था एक महीना पहले का एंड दैट्स व्हाई आई वाज स्ट्रेसिंग एनफ कि आपको लेटेस्ट 3 सैलरी स्लिप डालनी चाहिए, अदरवाइज इफ योर वीजा माइट गेट रिजेक्टेड, जो मेरे साथ हुआ था. हाउएवर क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम था मैंने वापस से एप्लीकेशन डाला, उसमें मैंने क्लियरली कवर लेटर मेंशन करा कि अभी मैं इस कंपनी में वर्क कर रहा हूँ एंड नेक्स्ट कंपनी मेरी ये है एंड उसका ऑफर लेटर एंड एवरीथिंग मैंने अटैच किया था एंड विद इन 3 to 5 days मेरा वीजा वापस आ गया था जस्ट इन टाइम बिफोर माई फ्लाइट. सो दैट वॉज अ गुड लर्निंग. नाउ सम आर पर्सनल टिप्स अबाउट द Schengen वीजा जो कि इफ यू फॉलो दिस most likely you are going to get your Schengen visa. The first one that I cannot stress enough is about cover letter. Cover letter bahut important document hai guys and make sure ki aap acche se isko detailed out likhte hain and isme aap itinerary bhi include karna. Again link description mein check it out. The second one is about the duration. So की बफर इन हैंड, ऐसा नहीं है कि आपको 2 हफ्ते बाद ट्रैवल करना है तो आप आज अप्लाई कर रहे हो, वेल इन एडवांस आप अप्लाई करना, अदरवाइज यू माइट बी इन अ सिचुएशन जहां आपके टिकट्स एवरीथिंग बुक्ड है बट वीजा आपको ऑनलाइन विद इन टाइम नहीं मिला. नाउ द थर्ड वन इज अबाउट एम्बेसी, क्योंकि
जहां पे आप ज्यादा नाइट स्पेंड कर रहे हो वहां की एम्बेसी में आपको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी और एम्बेसी में अप्लाई करेंगे चांसेस है कि वो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दे विल रिटर्न इट बैक सेइंग दैट बिकॉज यू आर स्पेंडिंग मोर टाइम इन सम अदर कंट्री, प्लीज अप्लाई देयर। तो आप पहले उसको प्रियम्प्ट कर सकते हो। पहले ही जो मैंने आपको बताया दो रूल ऑफ थंब है, पहला है कि आप जिस जगह पे ज्यादा नाइट स्टे कर रहे हैं वहां के एम्बेसी में अप्लाई करेंगे। द सेकंड थिंग, अगर इक्वल टाइम स्पेंड कर रहे हैं तो जहां आपका फर्स्ट एंट्री है वहीं पे आप अप्लाई करेंगे। द फोर्थ वन इज इफ यू आर टेकिंग एनी ओवरनाइट ट्रेन या बस टू गो फ्रॉम प्लेस ए टू बी, उस रात का आपका स्टे कहीं होगा नहीं, तो उस केस में आप क्या करेंगे, जब आप आइटनरी बना रहे होंगे उसमें आप मेंशन करोगे कि यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी यूजिंग दिस ट्रेन और यूजिंग दिस बस, एंड हेंस यू डू नॉट हैव अ स्टे फॉर दैट नाइट। एंड उसके साथ साथ आपको उस ट्रेन की रिजर्वेशन या बस की रिजर्वेशन की कॉपी भी इंक्लूड करनी चाहिए टू मेक इट लुक लाइक दैट यू आर हाउ यू आर ट्रैवलिंग विद इन दैट सेट पीरियड ऑफ टाइम। द फिफ्थ वन इज अबाउट द फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। सो अगर बैंक बैलेंस में आपके इनफ बैलेंस नहीं है बट लेट्स आपके इन्वेस्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड्स या एफडी एक्सेट्रा, देन आप वो डॉक्यूमेंट भी इंक्लूड कर सकते हो टू शो देम दैट यू हैव फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड यू विल बी एबल टू टेक केयर ऑफ योर फाइनेंसेस व्हेन यू आर इन यूरोपियन कंट्रीज। द अदर थिंग, लेट्स आप स्टूडेंट हो या फिर आप लेट्स डिपेंडेंट हो, तो जिसपे भी आप डिपेंडेंट हैं उनका बैंक स्टेटमेंट आपने इंक्लूड करना है टू शो द एम्बेसी गाइज दैट यू हैव एनफ फंड टू स्पॉन्सर योर ट्रिप। सो दैट्स इट गाइज, होप यू लाइक द वीडियो एंड आपको सारे टिप्स समझ में आए हैं। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन है डू राइट इन टू द कॉमेंट बॉक्स बिकॉज वी विल डेफिनेटली आंसर दोज क्वेरीज एंड क्वेश्चंस। एंड हम इस तरह के और भी काफी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहते हैं, सो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो डू गिव अस अ थम्स अप एज एन एनकरेजमेंट। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, टाटा।